ये बात ठीक कही सैफ खान ने, ये चलन है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का कि आप अधिकारियों से पूछो, वो ग्लास खरीदने की बजाय ग्लास किराए पर लेना पसंद करते हैं। बोले खरीद में एक ही बार आएगा जो कुछ आएगी दाल दलिया, किराया तो हर महीने आएगा, कट हर महीने आता है। इस सिद्धांत को समझ लीजिए एक। दूसरी बात, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये कहीं गूगल में लिखा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड की आई, ये ऑन बॉन्ड टाइप की जितनी चीज़ें हैं ना, जो लिखा पढ़ी में पैसे का ट्रांजेक्शन होता है चेक से या ड्राफ्ट से या RTGS, ये भारत के राजनीतिक फंडिंग का मेरा अपना तजुर्बा कहता है 1% भी नहीं होगा। ठीक, 99.9% फंडिंग तो काली पॉलिथिन में आती है, गाड़ी में आती है, ट्रक में आती है, टाटा 407 में आती है, छोटा हाथी में आती है, बड़ा हाथी में आती है। आपने कभी सुना कि चुनाव के समय में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पकड़े गए गाड़ी में? नहीं ना, दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए की गाड़ी तो छोड़ के भाग जाता आदमी पकड़ने को आए तो। ये पैसा कहां से बहता है? ये पानी है क्या कि बरसात में इकट्ठा हो रहा है? इसलिए ऑन बॉन्ड में मेरी कोई आस्था नहीं। ये सब ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गली में ख्याल अच्छा है कि बॉन्ड जारी हो गया, ऑन बॉन्ड इनसे क्या होता है यार? उसकी बात करो जो बोरी में रख के डिक्की में रखा है, चुनाव उससे होता है, बॉन्ड से कुछ हो रहा है? सारे देश भर के इलेक्ट्रल बॉन्ड जोड़ लीजिए तो एक चुनाव में देश के 5 बड़े नेताओं की जनसभा का खर्चा नहीं होगा वो टोटल। बॉन्ड से क्या होगा? आटो की तरह जहाज उड़ रहे हैं, बॉन्ड से उड़ रहे हैं, ये है मसला। टीना जी, दिल्ली में एक दौर था जब HKL भगत थे, केदारनाथ साहनी थे, विजय मल्होत्रा थे, मदनलाल खुराना थे, फिर शीला जी और खुराना का युग रहा, तब राजनीति बड़ी शुष्क थी। लोग कह रहे भैया अब मजा आया है, तू डाल डाल मैं पात पात, उधर से आप आदमी पार्टी, इधर से भाजपा। बोले आप कम से कम लगता है जब थक जाओ तो थोड़ा न्यूज देख लो, दिल्ली से आई ऐसी कोई अच्छी सी, तो बोले माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं देखिए, बहुत दुखद है कि इसको इस तरीके से हास्यास्पद तरीके से लिया जा रहा है अमिताभ, और डेफिनेटली राजनीति जो है वो बहुत ही उसमें एक ट्रांजिशनल चेंज जरूर आया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उस पीढ़ी की राजनीति, मदनलाल खुराना तक की राजनीति तो खैर मैंने भी देखी है और सुना भी था। सुषमा जी ने केदारनाथ साहनी, और आपने कहा कि विजय कुमार मल्होत्रा, और काफी लोग, प्रोफेसर PK चांदला, मूलचंद चावला जी, वो अभी भी हमारे बीच में है, और जो दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जिन लोगों ने काम किया था। तो जब इस तरीके की चीजें हम आम पार्टी की सुनते हैं, और दीनदयाल जी को छोड़ दो, दीनदयाल जी का नाम मतलब वो बात खत्म हो गई। ठीक, वो जो लोग किताबों में पहुंच गए वो किताबों में पहुंच गए, अब बाकी कुछ भगत सिंह और दीनदयाल का नाम मत लीजिए। अब हर आदमी टिकट बेच खरीद रहा है, आप बता रहे हो दीनदयाल और भगत सिंह लगा के दिल्ली के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में भगत सिंह अंबेडकर की फोटो लगाकर, ये जो हम एक तरह से नंगा नाच देख रहे हैं, ये भी कहां तक जनता सहन करेगी? और ये चुनाव में ही ये चीजें बाहर निकल के आती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो हमेशा रहती हैं, लेकिन चुनाव के समय में इनकी एक एक जो फेस वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अमिताभ, दुखद है ये अक्रॉस पार्टी दुखद है, जब भी ऐसा कुछ आता है ये अक्रॉस पार्टी दुखद है। लेकिन आज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को, जिनको भारत रत्न देने की बात की जा रही है, वो मसाज करवा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बिस्तर का हाल देखिए। मैंने तो, मेरा तो एक बहुत बहुत पुराना मित्र बेचारा जेल गया, किसी कारण से जेल गया 4 दिन, तो उसके बाद उसको खैर इंटरिम बेल मिल गई, और अच्छा बेचारा बड़ा व्यक्ति था, तो उसने कहा बड़ा बुरा हाल था भाई माँ, बहुत ही बुरा हाल था, और हमें पता है हमने 4 दिन भी कैसे काटे, और 6-7 दिन और लग गए, तो उसको एक हफ्ता काटना मुश्किल हो गया, और निकलते ही डेंगू हो गया क्योंकि मच्छर काट गए। तो ये तो ऐसा दिखता नहीं है, इनके लिए तो बिल्कुल VVIP अरेंजमेंट है, और ये तो बहुत ही गलत चीज है जो पैसे के साथ आती है, पावर के साथ आती है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए मुझे बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। एक बात बताऊं, आपने बोर किया था,
एक सवाल खड़ा कर दूं मैं एक सवाल खड़ा कर दूं, फिर आप लोग आपस में थोड़ी देर लड़ लीजिएगा एक दो मिनट। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा हमको काम नहीं करने देती, उसकी सरकार, और भाजपा के पास कोई काम नहीं, केवल केजरीवाल गाली देती है। ठीक, जब आप ये मानते हो मोहम्मद तकी कि भाजपा यानी केंद्र सरकार आपको कोई काम ही नहीं करने देती, ठीक, आप चाहते हो कि एक कप चाय पी ले वो नहीं पीने देते, आप चाहते हो एक समोसा खा ले नहीं खाने देते, जब जीने नहीं दे रहे आप, अरे सुनो भाई, जब जीने नहीं दे रहे आपको तो तिहाड़ में ये मसाज पार्लर आपने खोल दिया, ये लोग नहीं रोक पाए भैया, वहां तो सीआईएसएफ है ना, तिहाड़ में आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर तो सिक्योरिटी देने रहे, वहां तो पैरामिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी दे रही है, वहां ये ब्यूटी पार्लर कैसे खोल दिया, अरे मसाज पार्लर भैया। हाँ आप बताओ, आप इसका उत्तर दो और आपस में लड़ लो जी। मसाज एक गलत टेक्नोलॉजी जो बार बार यूज की जा रही है, फिजियोथेरेपी हो रही थी, प्रिस्क्राइब फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर के बच्चे के ऊपर उसके अनुसार साइंटिफिक। अरे कहाँ की फिजियोथेरेपी है भाई, सारे देश भर के फिजियोथेरेपिस्ट आपके खिलाफ धरना देंगे, ये जान लो, उनकी क्लिनिक में बवाल मच जाएगा। विड्रॉल के रेट बात क्यों नहीं हो रही है, अमिताभ हम तो उन्हीं को बात करने आए थे मोहम्मद तकी, लेकिन जब हमने ये सुना, ठीक है, लेकिन जब मैंने सुना कि बात ये हो रही है कि भाई पेमेंट पूरा जाएगा, माल मोटा जाएगा, तो मुझे लगा ये जरूरी बात है, इसलिए चर्चा कर ली। उसके बाद क्यों नहीं हो रही है, हाँ बताओ, कोई केस ही नहीं है, जो जितने जैन को कोई केस ही नहीं बनता, फर्जी केस बना के उनको डाला गया है, फर्जी लोगों से उनका नाम लिया गया है, उनको फर्जी केस है, कोर्ट ने तीन बार उनको पटकारा है। एक काम करिए, मैं आम आदमी पार्टी की बात मान लेता हूँ, बड़ा अच्छा ऑफर दे रहे, सुन लो, जाके पीएससी में बताइएगा तो लोग कहेंगे कि आज ये असली चीज लाए है। जब आपने मान ही लिया कि सत्येंद्र जैन भगत सिंह का प्रतिरूप है और बिल्कुल ईमानदार है, कोई भी उसके साथ गड़बड़ नहीं, तो जब मालिश करा सकते हो तो खड़ामा आज शाम को जाके हाथ पकड़ के ले आओ बाहर, गाड़ी में बैठा लो और एमसीटी में घूम चुनाव प्रचार में लगाओ, बहू दो एक चंपी वाला साथ रख दो, फिर वहां रखे क्यों हो, कोर्ट और छोड़ो, जाने दो, क्या करेगा कोर्ट, जब आपने कह ही दिया कि सब फर्जी है, कुछ नहीं है जी, सब फर्जी है, तो वह बाहर निकाल लाओ आज, पहले चांदनी चौक ले जाओ, ज्ञानी जी की कुल्फी खिलाओ और उसके बाद निकल जाओ युद्ध में। नहीं, भारत की जनता बीजेपी के मनोहर कहानियों को सुन रही है और समझ रही है बीजेपी बहस रही है बाहर, और बीजेपी को साबित नहीं के पास बार बार आरोप लगाती है किसी तरह से। भाई टीना जी, मनोहर कहानियां का प्रकाशन बहुत पहले बंद हो चुका, आप अब ये तो अभी आम आदमी पार्टी ने उसको फिर से उस ब्रांड को रिजुविनेट किया है, क्या मसला, आप लोग मनोहर कहानियां क्यों सुना रहे हैं टीना शर्मा? नहीं, बिल्कुल मनोहर कहानियां नहीं सुना रहे, क्योंकि इनकी मनोहर कहानियां, इनको मनोहर कहानियां, सर ये बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगी सर, मेरी तो आदत नहीं है कि इनको बीच में चिल्ला चिल्ला के बोलूं, सर ये मनोहर कहानियां बंद करेंगे तो मनोहर कहानियां बंद होगी। ये जो वीडियो है वायरल हुआ है, इसमें ये भी कह सकते हैं कि सत्येंद्र जैन नहीं है ये भी, सर चंपी मालिश तो मैं कह रही हूँ, आप ये सोचिए कि पेडिक्योर कराने हम महिलाएं जाते हैं, इतनी मसाज तो पेडिक्योर में नहीं मिलती सर, जहां हम पैसे देकर आते हैं 1500 रुपए का मसाज कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, इतनी मसाज तो उसमें नहीं मिलती सर, यहाँ तो 2 घंटे से मसाज ही चल रही है, वीडियो रिपीटेडली चलता जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब जेल में हैं, और इस तरीके की भारत रत्न देना और भगत सिंह का रूप है सर, कहीं ना कहीं ये जो महापुरुषों को इस्तेमाल करने की ये जो परिणीति आम पार्टी ने बनाई है, ये अपने देखिए ये संवैधानिक मूल्यों पर तो फेल हुए ही हैं, ये कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों पर फेल हुए हैं, और इन्हें नैतिकता की का हनन करने का अभी आभास भी नहीं हो रहा है, ये इनके पतन का कारण भी है सर, मुझे ऐसा लगता है अमिताभ, ये पतन का कारण है, क्योंकि भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, बच्चों की कसम के नाम पे,
भगत सिंह के नाम पे। अरे कहीं भगत सिंह बैठा बद्दुआ दे रहा होगा भाई कि तू भगत सिंह, तो मुझे भगत सिंह बनना ही नहीं है। जो लाखों करोड़ों का घोटाला करके बीजेपी हमको नैतिकता सिखाएगी, उस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे के सामने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, करोड़ों रुपए का चंदा लिया, करोड़ों रुपए का रिश्वत भी, वो पार्टी बीजेपी हमको नैतिकता सिखाएगी। वो पार्टी अडानी अंबानी की पति बना दिया लाखों करोड़ के बाद वो पार्टी सिखाएगा ना, कोई तो सिखाएगा सर नैतिकता, कोई तो सिखाएगा आपको नैतिकता। एके मिश्रा, क्या ये सच नहीं है, व्यवहारिक सच? इसको मानेगा कोई नहीं और ना इसको प्रूफ किया जा सकता अंटिल अनलेस हम भी ऐसे स्टिंग ना कर लाएं कहीं से। भारत की सारी राजनीतिक व्यवस्था में टिकट का विपणन, टिकट की खरीद बेची एक सामान्य प्रक्रिया है, आज से नहीं मुद्दत से, सब में नहीं लेकिन हाँ एक बड़ा परसेंटेज हमेशा हर इस चुनाव में रहता है फॉर सेल। और सुन लो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और गुमाश्ते भी घूमते हैं, गुमाश्ते जान रहे हैं ना एजेंट, वो आएंगे आपके पास, हाँ भाई एके मिश्रा जी बताओ करा दें, आप कहोगे क्या है मेहनताना, अरे बोले कुछ नहीं है आपके लिए क्या है, 15 में हो जाएगी क्या, सीधे पहुंचोगे लोकसभा, तब आप कहते हो नहीं 10 में, ऐसा मैंने देखा है। नहीं अमिताभ जी देखिए, बहुत पुराने टाइम पे मतलब जब हम लोग बचपन में राजनीति देखते थे, टिकट तो हमेशा पे ही मिलती, मान ली वो उन्हीं के पार्टी के सदस्य लोग बोलते थे कि भाई इनको खड़ा करिए, इनको खड़ा करिए। और हमने कई उदाहरण देखा है कि जो एस्टेब्लिश्ड नेता हैं किसी भी पार्टी में, जिन्होंने चप्पलें घिसी हैं, जिनके जीतने के चांसेस हैं, एकाएक उनको टिकट न मिलके किसी और को मिल गया, वो कहीं ना कहीं ऊपर से जो है सोर्स लगा के अपनी जान पहचान निकाल करके, तो रिकमेंडेशन तो 100% चलता रहता है। मनीटाइजेशन भी ये हुआ, पहले इतना नहीं होता था लेकिन 100% तो नहीं होता है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि पैसे से जो लोग आए वो जो है 100% चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि पैसा कलेक्ट करना भी राजनीतिक दलों का एक जरूरत होती है, ये गलत है कि सही है वो दूसरी बात है, और बहुत सारे तरीकों से कलेक्ट किया जाता है। वो ये बोलते हैं कि भाई आपको मिल जाएगा पार्टी फंड में, दान दे दीजिए, ये कर दीजिए, उसमें से जो कुछ बीच वाले भी हैं आप उनको बोलिए कि ठीक है जो काम किसी आदमी से नहीं हो रहा है वो ऐसे उनको उनको आप एज ए कंसल्टेंट या फैसिलिटेटर बोलिए, जो चीज उनसे नहीं होता है वो लोग करवा रहे हैं बीच में, वो भी अपना करते होंगे डेफिनेटली।